खबर 365 न्यूज आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। लापरवाही कहे ये आप फिर भ्रष्टाचार, जहां एक और हमारी सरकार देश में अज्ञानता का दूर करने के लिए पुरजोर कोशिश में लगी हुई है कि कैसा भी हो बच्चों को शिक्षा मिले, इसके लिए वह विद्यालयों में बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए हैं, फिर चाहे वो बच्चों की ड्रेस हो या फिर कॉपी किताबें। और यही नहीं, बच्चों के लिए उन्होंने दोपहर में भोजन के लिए मिड डे मील योजना के तहत भोजन की व्यवस्था भी विद्यालयों में कर दी, जिससे बच्चों का मानसिक विकास के अलावा शारीरिक व्यवस्था भी हो सके। लेकिन कुछ अधिकारियों की लापरवाही के चलते कई विद्यालयों में भोजन बन ही नहीं पाता है। ऐसा ही एक मामला लखीमपुर खीरी जिले के सामने आया है, जहां तहसील निधासन के ग्राम बहनपुर स्थित रामधीन कॉलेज में जूनियर कक्षाओं के बच्चों के लिए लगभग 90 दिनों से MDM बना रही ही नहीं। अब इसमें अधिकारियों की लापरवाही कहें या खुला भ्रष्टाचार की, आखिर MDM न बनने की वजह क्या है? जब बच्चों और अभिभावकों ने इस मामले की शिकायत की और हमारे संवाददाता ने जब इस बात की जानकारी विद्यालय के प्राचार्य सुरेंद्र कुमार वर्मा से ली, तो उन्होंने बताया कि नवंबर 2018 से कन्वर्जन कास्ट न आने के कारण भोजन बनवाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। इस बात की शिकायत लिखित में वो BSA और BRC निधासन से कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सका। और जब MDM प्रभारी विजय वर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दुकानदार की उधारी काफ़ी हो गई है और अब उसे उधार देना भी बंद कर दिया है। खबर 365 न्यूज़ के लिए लखीमपुर खीरी से मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट। क्या नाम भाई साहब? विजय कुमार वर्मा। किस पद पे कार्यरत हैं? किस पद पे कार्यरत? अच्छा, क्या मामला है जो MDM की समस्या है आपके रामाधेय इंटर कॉलेज में? MDM की समस्या ये है कि कन्वर्जन कास्ट दिनांक कल तक नहीं आई, 23 जनवरी तक नहीं आई है, इसलिए 15 दिसंबर से MDM बंद चल रहा है और 1 से 5 जनवरी तक खाना बना है। बताया, ऋतुराज ने बताया कि MDM चालू करो जाकर के, MDM की क्लास पहुंच जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं आई है, इसलिए फिर बंद कर दिया गया। इसकी लिखित सूचना वगैरह को दी गई थी? सूचना 29 नवंबर को दी गई है निराशन लखीमपुर, फिर द्वितीय सूचना फिर दी जा चुकी है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं।